फुटबॉल की दुनिया पर राज करने वाले अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने कतर में हुए फीफा वर्ल्ड कप को जीत अपने सबसे बड़ा सपना पूरा किया। आखिरी वर्ल्ड कप खेलने उतरे इस स्टार फुटबॉलर ने फाइनल में पेनल्टी शूट को मिलाकर कुल 3 गोल मारे और टीम को चैंपियन बनाया। मेसी को अर्जेंटीना में भगवान जैसा दर्जा हासिल है, लेकिन एक शहर ऐसा भी है जहां अपने बच्चे का नाम कोई माता पिता उनके नाम पर नहीं रखते हैं। आखिर क्यों? कतर फीफा वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल में फ्रांस के खिलाफ मेसी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम को ट्रॉफी दिलाई। 36 साल के इंतजार को दुनिया के महानतम फुटबॉल ने खत्म करते हुए अर्जेंटीना को वर्ल्ड चैंपियन बनाया। मेसी ने कतर फीफा वर्ल्ड कप में कुल 8 गोल किए। मेसी की अर्जेंटीना में पूजा होती है और उनको भगवान माना जाता है। फैंस को पूरी उम्मीद थी इस बार उनके देश को वर्ल्ड कप ट्रॉफी जरूर मिलेगी। उनके भगवान ने किसी को निराश नहीं किया, आखिरी टूर्नामेंट में टीम को वर्ल्ड चैंपियन बनाया। मेसी का जन्म अर्जेंटीना के रोजारियो शहर में हुआ था। महज 13 साल की उम्र में ही उन्होंने क्लब फुटबॉल में शामिल होने के लिए देश छोड़ दिया था। स्पेन के मशहूर क्लब बार्सिलोना के लिए 2 दशक से भी ज्यादा उन्होंने मैच खेला। कमाल की बात यह है कि जिस रोजारियो शहर में मेसी का जन्म हुआ, वहाँ किसी भी माता पिता को अपने बच्चे का नाम मेसी रखने की इजाज़त नहीं है। 2014 में आई रिपोर्ट में इस बात की जानकारी मिली है कि शहर में उनके नाम को रखने पर पाबंदी लगाई गई है। रोजारियो में मेसी के नाम से कोई हो तो बस वो खुद मेसी। इसी वजह से इस शहर में रहने वालों को अपने बच्चे के मेसी रखने पर पाबंदी लगाई गई है। कोई भी मेसी के नाम को अपने बच्चे के नाम के तौर पर नहीं रख सकता है। इसको लेकर एक खास कानून बनाया जा चुका है। यही था कारण कि दुनिया का एक ऐसा शहर जहां कोई अपने बच्चे का नाम मेसी नहीं रखता है।